नमस्कार नमस्कार। खबर भी लव कानपुर नगर से, जहां किसानों ने मासिक पंचायत कर दिखाई एकजुटता और सात सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम प्रतिनिधि लक्ष्मी वाजपेयी को सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष व मंडल अध्यक्ष की अगुवाई में दर्जनों किसानों ने बिल्लौर तहसील पहुंच की मासिक पंचायत और जिलाधिकारी बिल्लौर को संबोधित ज्ञापन राजस्व अधिकारी लक्ष्मी वाजपेयी को सौंपा। दर्जनों की संख्या में किसानों ने मांग की कि अघोषित बिजली कटौती बंद की जाए, क्योंकि अघोषित बिजली कटौती से आज किसान परेशान हो चुका है। उनकी दूसरी मांग रही कि मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए डीडीटी का छिड़काव कराया जाए। तीसरी मांग, वृद्ध किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाया जाए। चौथी मांग, आवारा पशुओं के लिए समुचित गौशालाओं की व्यवस्था कराई जाए। पांचवी मांग, अनेक गांवों में सफाई कर्मी न होने के कारण गांव की नालियों में कचरे का जमा हो गया है, जैसे मकर निवादा खंड जुड़वा जमौली त्रिवेणीगंज बाजार आदि का उदाहरण देते हुए सफाई कर्मियों की नियुक्ति की बात कही। उन्होंने अपने साथी कार्यकर्ता बाबूलाल पुत्र जवाहिर ग्राम सभा सुरजा निवादा ग्राम शिवराजपुर की समस्या बताते हुए कहा कि लगभग चार दशक पहले उनके लिए कृषि भूमि का पट्टा हुआ था, लेकिन भूमाफियाओं के चलते बाबूलाल को कब्जा नहीं मिल पाया। अतः निष्पक्ष जांच व पैमाइश कराकर उन्हें पट्टा की जमीन दिलाई जाए। अंत में सातवीं मांग करते हुए कहा कि किसान कार्यकर्ता रामदास पुत्र रेवती ग्राम खुशहा खंड नानमो के घर के पास लोग अपने तानाशाही के चलते घूरा डालते हैं और कई बार मना करने के बावजूद भी नहीं हटा रहे हैं, जिसे हटवाया जाए। इस प्रकार सात सूत्रीय मांगों पर तत्काल कार्यवाही की मांग की। आइए जानें किसानों ने क्या कुछ कहा। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट, एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवीक समाचार दैनिक। ये आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं? आज भी यहाँ बैठे हुए हैं। हर महीने की मासिक पंचायत यहाँ करते हैं जी, और मुद्दे बिल्लौर प्रशासन को देते हैं जो इन्हीं लोगों के लेवल के हैं, लेकिन हमारी मांग पूरी नहीं होती जी। सबसे बड़ी मांग हमारी आवारा पशुओं की, जिससे किसान रात दिन परेशान, रात दिन किसान रात में खेत पे लट लेके रखाता है खेत, घर में कहीं चोरी होती है। अगर अकेला किसान है तो तमाम बार पेपर में मैंने पढ़ा है कि किसानों के घर में रेप हो जाता, वो खेत रखाता समर। और नालियों की सफाई, सफाई कर्मचारी 30-35 से 40 हजार रुपए ले रहे हैं, लेकिन घर में ले रहे हैं। विकास खंड अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और प्रधान की मिली भगत से ये सब हो रहा है। मच्छरों की दवा का छिड़काव कागजों में तो बराबर छिड़की जा रही, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं। इन सब मुद्दों को लेके यहाँ पे बैठे हुए हैं। दूसरा मुद्दा हमारे समाज सेवी सियाराम जी का है, जो हमारे नगर का किसान देहात में कोर्ट बना दिया गया है, तो जो हमारा नगर के किसान देहात जाता है तो 500 रुपए का खर्चा, या तो हमारा कोर्ट नगर में ही बनाया जाए या बिल्लौर में हमारा। इन सब मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए। तो क्या आपको आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन तो नहीं मिला, आश्वासन तो हर महीने में 11 तारीख को मिलता है जी। लेकिन आश्वासन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। हमारी समझ में किसान कार्यकर्ताओं का ज्ञापन रद्दी के टोकरे में डाल दिया जाता है, लेकिन इस बार भी ऐसा हुआ तो भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अनिश्चितकालीन धरने पे। जब तक दुखी किसान रहेगा। हमारे किसानों के हृदय में कृतज्ञता बढ़ती है। यदि यही रवैया हमारे प्रशासन का रहा तो हमारा किसान एकदम उबल जाएगा। फिर वो कुछ भी कर सकता है, धरना प्रदर्शन कर सकता है, आंदोलन कर सकता है, चक्का जाम कर सकता है, यानी फिर प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। क्यों? जब हमारी अध्यक्ष प्रशासन करेगा तो इसके लिए फिर प्रशासन ही जिम्मेदार होगा। माननीय महोदय, आप मेरी मांगे हैं कि अघोषित बिजली कटौती से किसान परेशान। इस समय इतनी बिजली की समस्या है कि रात में बिजली चली जाए, दिन में बिजली चली जाए, मच्छरों का प्रकोप है, बिजली गर्मी के कारण जनजीवन, बाल बच्चे किसानों के अत्यंत परेशान हो जाते हैं। अतः बिजली का शेड्यूल सही कराया जाए। मच्छरों के भीषण प्रकोप के चलते जनजीवन परेशान है, जिससे आए दिन बीमारियों का संकट झेलना पड़ रहा है। अतः मच्छर नाशक दवा DDT का छिड़काव कर रहे हैं। 60 वर्ष पूर्ण कर चुके वृद्ध किसानों को वृद्धावस्था पेंशन दिलाई जाए। अतः कैंप लगाकर वृद्धजनों के फार्म भरवाकर कार्रवाई कराई जाए। आवारा पशुओं की भरमार है, किसानों की फसल चौपट हो जाने के साथ साथ राहगीर भी चुटाई हो रहे हैं।
अतः हमारा पशुओं को पकड़वा कर गौशाला में सुरक्षित कराया जाए। मैडम, आवारा पशुओं की समस्या लगभग करके एक डेढ़ साल से मैं रेगुलर देता चला आ रहा हूँ, लेकिन इस प्रार्थना ज्ञापन को बिंदु को बिल्कुल अनदेखा कर दिया गया है। अगर हम लोग आक्रोशित तो है किसान, क्योंकि रात दिन लट लेके खेती भी दौड़ा करते हैं, दिन में बुढ़ा रहेगा, रात में बच्चा रहेगा, जवान रहेगा, फिर दिन में दोपहर में बच्चा रहेगा, बच्ची रहेगी, कोई ना कोई रहेगी। अगर प्राइमरी के स्कूल में प्रति गांव में प्राइमरी के स्कूल के मजबूर होके ताला तोड़वा के और उसकी जवाबदेही बिल और प्रशासन की ही होगी, किसी और की नहीं। गौशाला कहाँ है, कितने हैं? प्रति ग्राम पंचायत में गौशाला जब हो, ऐसा नहीं कि जिसकी जमीन ना हो, एक ना। गौशाला के लिए कोई ग्राम पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें ग्राम पंचायत में जीएस की जमीन ना हो, और इतनी जमीन पड़ी है कि जितनी गाय वहाँ धनेगी, सारी जमीन अगर निकलवा दी जाए तो उसी में जो वर्कर रहते हैं उसमें किसानी करके गायों का पेट भर सकते हैं। और माननीय महोदय, तहसील बिल्लौर के अनेकों गांव में सफाई कर्मी के ना होने के कारण गांव की नालियों में कचरे का जमा हो गया, जैसे कि मकरण निवादा खंड जुड़वा जमोगी, त्रिवेणीगंज बिल्लौर, ऐसे आदि अनेकों गांव में गंदगी का अंबार लगा हुआ। अतः सफाई कर्मियों को सख्त हिदायत देकर नियमित सफाई कार्य कराए। बराबर में लिखता एक दिन तो बराबर लिखते जा रहा हूँ, लेकिन विकास खंड अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान की मिली भगत, सफाई कर्मचारी घर में पड़े पड़े पेमेंट ले रहे हैं, गांव की सफाई बिल्कुल नहीं है, इस पर विशेष ध्यान दिया। ये तो जनता की समस्याओं पर, लेकिन कुछ हमारे किसान कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत समस्या है जो मैंने ज्ञापन के माध्यम से लिख दिया है। किसान कार्यकर्ता रामदास सन ऑफ रेवती ग्राम कुशाह खंड नाना मोड़, इनके घर के पास लोग अपनी तानाशाही के चलते घूरा डालते हैं। कई बार मना करने के बावजूद भी गुप्त व्यक्ति घूरा डालने से बाज नहीं आ रहा, घूरा नहीं घूरा नहीं हटा रहा, अतः प्रशासन के द्वारा काल कटवाया गया। दूसरे हमारे किसान कार्यकर्ता बाबूलाल सन ऑफ जवाहर, जो कि सुज्जा निवादा खंड भीटी ब्लॉक शिवराजपुर के रहने वाले हैं, इनको लगभग 4 दशक पहले यानी 40 साल पहले कृषि भूमि का पट्टा हुआ था, परंतु भू माफियाओं के चलते किसान कार्यकर्ता बाबूलाल को कब्जा तक नहीं मिल पा रहा है, अतः निष्पक्ष जांच कराकर व पैमाइश कराकर तत्काल कब्जा दे। इसके भी प्रार्थना पत्र कई दिन ज्ञापन के माध्यम से भी अवगत करा चुका तहसीलदार महोदय और एसडीएम महोदय में लिखी साफ सुथरी मांगों पर तत्काल ध्यान देकर निवारण कराया जाए। यदि मांग पत्र की अनदेखी की गई तो किसान धरना प्रदर्शन व आंदोलन करने के लिए बाध्य। आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज, डिजिटल पार्टनर विद नवयुग समाचार दैनिक। खबरों से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों की अपडेट आपको मिलती रहे।